अंकिता लोखंडे अपने आप को कितना भी रोकती रहे लेकिन उनके मुंह से सुशांत सिंह राजपूत का नाम निकल ही जाता है और जब जब सुशांत का नाम आता है तो आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। अंकिता ने बिग बॉस के घर में सुशांत को लेकर अपने दिल का हाल बयां कर दिया है। सुशांत का नाम लेते हुए अंकिता की आंखों में उन्हें खोने का दर्द साफ दिख रहा था। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लाइव स्ट्रीम में अंकिता ने नाविद से कहा कि सुशांत के साथ उनका ब्रेकअप बहुत दर्दनाक था। अंकिता ने कहा कि सुशांत के साथ उनका रिश्ता बहुत लंबा चला, इसलिए ब्रेकअप के बाद उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। अंकिता ने बताया कि सुशांत से अलग होने के बाद उन्हें आगे बढ़ने में पूरे 2.5 साल लग गए। अंकिता ने कहा कि वो विक्की से कहती रहती थी कि देखना एक दिन सुशांत वापस लौट आएगा। अंकिता ने बताया कि भले ही सुशांत ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ गए थे लेकिन वो लंबे समय तक किसी और के साथ डेटिंग की कल्पना भी नहीं कर पाई। अंकिता ने बताया कि वो उस दौर में बहुत कुछ झेल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने प्यार पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। अंकिता और सुशांत की मुलाकात टीवी शो पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी। ये सीरियल टीवी का सबसे हिट शो बन गया था। इसी शो के दौरान अंकिता और सुशांत करीब आ गए। साल 2009 से लेकर 2016 तक दोनों रिश्ते में रहे, लेकिन बॉलीवुड में करियर बनाने निकले सुशांत ने अंकिता का साथ छोड़ दिया और रिया चक्रवर्ती से प्यार करना शुरू कर दिया। साल 2020 में सुशांत का निधन हो गया। उस दौरान अंकिता सुशांत के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और इसमें उनके पति विकी ने भी उनका बहुत साथ दिया। वेल, आप क्या कहेंगे अंकिता के इस दर्द पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।